और सामने आपको ये दिखेगा जिसको अलवर फोर्ट कहते हैं। अब आप लोग बाला किला घूमने के लिए कब आ सकते हो, तो बाला किला घूमने के लिए आप मंगलवार और शनिवार को आ सकते हो बाइक से। एक खास चीज़ जो है, यहाँ पे अष्ट धातु की एक तोप रखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाली जो तोप है इसका आधा हिस्सा है जो काट के या तो कोलकाता के म्यूज़ियम में है या दिल्ली के म्यूज़ियम है, उसके बारे में मैं पूरा लिख दूंगा आपको। तो आधा हिस्सा इसका म्यूज़ियम में रखा हुआ है और जो पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा यहीं रखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो भाई, ये पूरी अष्ट धातु की तोप है। एक छोटा ये हॉल बनाया हुआ है जो किसी समय तोप चलाने के काम आता था, ये वाला। और देखो भाई कितनी विशाल है, बड़े बड़े इसके पहिए लगे हुए हैं जो यहाँ पे सेट है, और यहीं पे मंदिर है। ये तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए घोड़ों के पीछे बांधा जाता था, सही कह रहा हूँ ना मैं, इन पे तोप डाल के रख के लोग लेके जाते थे। तो ये सब कुछ इनके अंदर लगने वाला है। और ये क्या है, चमगादड़ का मल है, बारूद है, चमगादड़ का मल है, जब इसकी सफाई की थी ना तब निकला था ये। बाकी ये भी वही है, सेम इस तरीके की तोप जिनसे तोप एक जगह से दूसरी जगह लोग लेके जाते थे। एक छोटी सी तोप लगी हुई है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो एक छोटी सी तोप है यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रेडी हो गया, जिसके अंदर तोप लगा दी, चला जाओ। देखो भाई ये देखो, ये जो तोप है ये लगा के रेडी कर दी है, और एक यहाँ पे भी और एक वहाँ पे भी इस तरीके से। ये छोटे वो होल होते थे जहाँ से बत्ती लगा के चलाया करते थे, और ये आपने रेडी किया, नया बनाया है पूरा, ये वाला जो कार्य है ना ये पूरा नया बनाया हुआ है, तो पहले किया है। और जो नीचे का तल है ना, वहाँ से जो एंट्री लेने का मेन पॉइंट था ना वो ये था, ये वाला दरवाज़ा भी उसी समय का बना हुआ है, देखो कीले लगे हुए हैं भाई। और यहाँ से जैसे आप एंट्री लोगे बाला किला में घुसने के लिए, दो एंट्री हैं, एक तो ऊपर वाले दूसरे वाले पार्ट से आप लोग जाओगे और एक यहाँ से जाओगे, दूसरा पार्ट आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है बाला किला का, ये नीचे नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे पूरा एक कुंडा बना हुआ है किसी समय पानी स्टोर करने के लिए। इसमें नीचे जाने के लिए भी प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, देखो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये पूरा कुंडा था जो कि जो पहले के ज़माने में पानी स्टोर करने के लिए काम आता था। और आई थिंक यहाँ पे भी कोई महल या फिर कोई रूम रहा होगा, बट ये सभा के समय के अभाव में धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और ये पूरा फोर्ट है बाला किला, इसके उस पार का भी पोर्शन है, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं आज आपको। बाकी ये दरवाजे देखोगे आप लोग दोस्तों, देखो क्या लगे हुए हैं भाई, उसी ज़माने के लकड़ियों में बने हुए, और अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। अभी इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो ठीक कर दी हैं, वरना जो ओरिजिनल इसका जो समय था ना वो तो एक खूबसूरत ही रहा था भाई। यूँ कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा किला है जिसपे कभी आक्रमण नहीं हुआ, अब देखोगे ना पूरा। तो ये फोर्ट है जिसको यूँ कहते हैं कि कंवारा किला कहा जाता है बाला किला को। और ये देखो भाई पिल्लर जो कि लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, देखोगे ना इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो इस पत्थर में इस पत्थर को जोड़ के, और ये एक वो चीज़ थी लोहे की, ये लोहा कैसा था कि लोहे को पिघला के फिर सेट किया जाता था, ये खास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो। और इस वाले पिलर में देखोगे तो आपको कितने तरीके के पत्थर मिलेंगे, सफ़ेद वाला थोड़ा अलग मिलेगा, लाल वाला पत्थर थोड़ा अलग मिलेगा, और नीचे है जो काला पत्थर है ये वाला, देखोगे आप लोग पूरी हाथ की कढ़ाई का किया हुआ है ये, और इधर वाले पिलरों पर पूरे लाल पत्थर लगे हुए हैं। और हम लोग धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहे हैं, ये देखो जिसके नीचे से मैंने आपको वो दिखाया था ना कि इसके नीचे वो बने हुए महल, ये वो पोर्शन है। और यहाँ आप लोग देखोगे तो इधर की साइड में भी अलग रूम बने हुए हैं, ये नीचे वेंटिलेशन के लिए बने हुए हैं, यहाँ देखो और वहाँ पे देखो। अब आप लोग बाला किला घूमने के लिए कब आ सकते हो, तो बाला किला घूमने के लिए आप मंगलवार और शनिवार को आ सकते हो बाइक से। वैसे अगर आप आना चाहो तो आप अपनी कार लेके आ सकते हो, जो आपको सप्ताह में 7 दिन एंट्री देती है। सामने लोग आप लोग देखोगे तो महल का है पूरा का पूरा, यहाँ देखो ये पूरा महल बना हुआ है इस पार में, और इस पार में जो इधर अंदर रूम बने हुए हैं उसके ऊपर की साइड के हम हैं, और यहाँ पे भी किसी समय रूम बने हुए थे
बट इनकी जो छत है ना अभी ख़त्म हो गई है। देखो एक रूम बच भी रहा है आई थिंक यहाँ पे, इस तरीके से एक रूम यहाँ बच रहा है और एक इसके अंदर बचा हुआ है, और इस पार में भी एक रूम है इसके अंदर भी। देखो भाई, और ये किसी समय वो जगह होती थी जहाँ पे लेटरिन बाथरूम के लिए लोग बाग यूज़ करते थे बालक किला के अंदर। देखो, और देखो भाई एक पत्थर को इससे कनेक्ट किया हुआ है, ये जो लोहे के आपको ये दिखेगा ना, इससे कनेक्ट किया हुआ है पत्थर को, ये देखो यहाँ ज्वाइंट करके। और अभी हम लोग हैं टॉप पे बालक इलाके पे, ये पूरा फोर्ट है बालक किला। और जैसे इसके इस पार में आओगे तो ये आपको पुराना आर्किटेक्चर दिखेगा, जो कि अभी यहाँ जाना अलाउ नहीं है। एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है ना ये पूरा डैमेज हो चुका है, बाकी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में आप लोग मैन जो महल बना हुआ है जिनकी छतरियाँ बनी हुई हैं, और जहाँ पे सोने की हल्की हल्की बारीकी से जो कार्य हुआ है वो उन छतरियों के नीचे बना हुआ है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी ये आप लोग देखोगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये पूरा डैमेज हो चुका है। ये ओरिजिनल है, इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं की इन लोगों ने, मतलब रेनोवेट कुछ भी नहीं किया। ये देखो भाई ऊपर की ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं, ये पूरा चूने से बनाया हुआ है, और यहाँ पे पूरी ये रस्सी लगा के बंद भी किया हुआ है कि आप लोग जाओ नहीं आगे की साइड में। और अभी हम लोग हैं टॉप पे, इस तरीके की बनी हुई है। देखो यहाँ पे भी आई थिंक ये उस ज़माने में यूज़ की जाती थी। देखो ये भी वही हॉल बना हुआ है जिसकी तरह नीचे बना हुआ था कि एज ए वॉशरूम के तौर पर, लेटरिन के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। और ये वाला जो पोर्शन है ये खुलता है बिल्कुल बाहर की साइड में, आप लोग देखोगे तो ये पूरी अरावली हिल्स है, सामने करणी माता का मंदिर है, वहाँ से आप लोग चलते 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 देखो वहाँ पे गाड़ी भी आ रही है तो आप लोग आ सकते हो। और उस पार में आई थिंक राजाओं का जो मेल जो लोग रहते थे उसको मर्दाना कहते थे, मर्दाना महल, वो उधर था। और पूरा इसके चारों साइड में परकोटा बना हुआ है भाई, 11 से 12 किलोमीटर का उस परकोटे की लेंथ कहते हैं बालक किला को, जो चारों साइड से सिक्योर करता है। और ये पूरा एक हवेली टाइप में एक छोटी सी जगह बनी हुई है, यूँ कहते हैं कि ये एक तरीके से जो नाचने वाले लोग थे उनके लिए बना हुआ था, नर्तकियों का महल कहते हैं इसको। ये भी हम लोग देखने वाले हैं, और ये पूरा बालक किला आप लोग देखोगे, और यहाँ से ऐसे पूरा ये परकोटा ऐसे आगे के लिए चला जाता है, जहाँ से यूँ कहते हैं कि टोटल 5 दरवाजे थे बालक किला में आने के लिए, अंधेरी, जय पोल, लक्ष्मण पोल, और एक इधर की साइड में भी यहाँ पे भी पोल बना हुआ है। और वो जो जगह आपको दिखेगी बालक किला से वहाँ पे चक्करधारी के लिए, वहाँ पे चक्करधारी मंदिर है, चक्करधारी मंदिर से पहले एक हवेली थी वहाँ पे, जो पूजा जो करते थे ना उन पंडितों की हवेली कहते थे। और पास में ही एक जगह बनी हुई है वहाँ पे, आप लोग देखोगे थोड़ा जूम करके दिखाते हैं तो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ पे ये कहते हैं कि बारूद गोदाम था ये। और ये पूरा शहर दिखने वाला है आपको इस पार से पूरा अलवर का, और सामने अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा करणी माता का मंदिर।